Hello guys, I welcome you all on my channel God's Glory by Sukmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की tarot card reading का topic ये है कि आपके person currently क्या सोच रहे हैं, right? उनकी तरफ से क्या love messages हैं, क्या होने वाला है आगे, वो सारी ही चीज़ें हम चेक करेंगे. रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ फैमिली का पार्ट बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी, आप इसको क्लेम कर पाएंगे, राइट गाइडेंस मिल पाएगी. सो प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिए ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो पाए एंड आप कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से. तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर. ओके, आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो देख लेंगे कि क्या है आपके पर्सन के दिल में, आपके लिए क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के मन में आपके लिए करंटली क्या एनर्जी है. थैंक यू. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ब्यूटिफुल स्टार्ट. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है. नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. देन वी हैव द मैजिशियन एंड नेक्स्ट वन इज द हायरोफेंट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास नाइन ऑफ सोड्स. गाइस, यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ इन कार्ड से, वो ये है कि आपके पर्सन जो है करंटली सारी जो भी मैसअप सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे ऐसा हो सकता है कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये हो गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको ऐसा क्यों कह दिया, मतलब आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई चल रही है औरों की वजह से, आपकी खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ इस तरीके का बोल दिया जिसकी वजह से आप दोनों लड़ रहे हो, राइट. सो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि आपने सबसे पहले ये समझना है कि एक जो रिलेशन होता है ना, वो दो लोगों का सबसे पहले होता है, फिर उसमें किसी और की इम्पोर्टेंस होती है. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो होने चाहिए और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप होने चाहिए. उसके बाद एक दूसरे से, अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता भी चला है या फिर किसी ने कुछ कहा भी है, तो सबसे पहले एक दूसरे से पूछिए कि क्या ऐसा सच में हुआ है या तुमने सच में ऐसा किया है, तभी आप किसी और पर्सन की बात को सुनकर कुछ उस चीज़ पे डिसीजन लीजिए. क्योंकि किसी के कह देने को हमने सच समझ लें और फिर उसी चीज़ पे हम एक्शन लें इज़ नॉट राइट. सो यहाँ पर बोला जा रहा है किसी को समझने की ज़रूरत है. अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक दिख रही है करंटली मुझे. ऐसा लग रहा है कि लोगों की बातों में आके आप अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं. एंड सेकेंडली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है सारी लड़ाई झगड़ों को, सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं. जिसने भी जो भी कहा है उस चीज़ को वहां पर ही छोड़ करना, ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं. देखिए यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो कितना मैस अप सिचुएशन दिख रहा है. जैसे बातचीत हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है, कन्फ्यूजन है, कॉम्पिटिशन है, स्ट्रेस है, एन्जाइटी है, राइट. ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि क्योटिक सिचुएशन है यहाँ पर, राइट. सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस आपके जो पर्सन है ना, ये सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको यहाँ पर इधर लेकर आना चाहते हैं. या आपको यहाँ पर देखो, ये जो गर्ल है यहाँ पर इसको फ्लावर दे रही है. फ्लावर दे रही है मतलब यहाँ पर ये है कि फाइट रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहा है कोई. यहाँ पर देखो हैप्पी मोमेंट्स है, पीछे सब लोग क्लैप कर रहे हैं, पीछे सब लोग क्लैप कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है इस कार्ड के अंदर. जैसे हैप्पीनेस है, चीयरफुल एनर्जी है, राइट. सो यहाँ पर ये इस एनर्जी से बाहर निकलकर यहाँ पर आपको ये फ्लावर देना चाहते हैं. यहाँ पर आपको हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का, फिर से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन आपको करंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दो, उसको पीछे छोड़ दो और मेरे साथ आगे बढ़ो. ये हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आप इनका हाथ पकड़ें और इनके साथ में आगे मूव करें. अब इनके मन में यही आ रहा है कि जो हो गया उसको पीछे छोड़ना चाहिए, वही सही है और आगे बढ़ना ही हमारे लिए यहाँ पर सही है. सो यहाँ पर इमोशंस भी ये अपने दिखाएंगे, एक्शन भी यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं, इनके ख्यालों में भी आप चल रहे हो, हर तरीके से आपको सोच रहे हैं. एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पर ये किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज को, कमिटमेंट को, टुगेदरनेस को,
वेडिंग को, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मैरिज का कार्ड है, ये जो कार्ड है स्टेबिलिटी का कार्ड है, सबकी रजामंदी चाहते हैं ये इस कनेक्शन के लिए, ये चाहते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं, इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये बस इस ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है मुझे, जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रखी है ना, जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, इसको तोड़ना चाहते हैं ये पर्सन करंटली। एंड यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स भी देखिए वही बता रहा है, बहुत स्ट्रेस है अभी इस पर्सन को कि आगे क्या होगा। दिन रात आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, रात को तो बिल्कुल भी जैसे ये सोते नहीं है, और आपको भी ये फीलिंग जरूर होती होगी कि ये पर्सन उठे हुए हैं, ये पर्सन मुझे याद कर रहे हैं, ये पर्सन मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो रात के टाइम पर आर्ग्यूमेंट्स होना, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर बेफालतू की बहस हो जाना, इस तरीके से दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एट ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है बहुत सैड हो चुके हैं और ये चाहते हैं अब ये सारी फाइट प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, ये इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड टेन ऑफ कप्स हमको यहाँ पर यही बता रहा है, फैमिली फैमिली फैमिली, इस कार्ड में मुझे ना फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन की ऑलरेडी फैमिली हो, ये मैरिड हूँ, या फिर शादी को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आना, ये शादी के लिए फैमिली का कंसेंट ना होना, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। या फैमिली के बारे में सोचकर आगे मूव नहीं करना कि पता नहीं क्या होगा, मेरी फैमिली तो मुझसे नहीं छूट जाएगी, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट येस, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, यहाँ पर टुगेदरनेस है, यहाँ पर हैप्पी मैरिज है, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर सक्सेस है, अबंडेंस है। यहाँ पर एम्प्रेंस अगेन यहाँ पर बच्चे एंड फैमिली को दिखा रही है, अबंडेंस को दिखा रही है, जो यही बता रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी ट्रबल से बाहर आएंगे, जितनी जल्दी हो सके आप सरेंडर कर देंगे, अपने थॉट्स जो नेगेटिव हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तो यहाँ पर जीत है आपकी। देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है, आप ये वर्ल्ड का कार्ड अगेन कंप्लीशन है यहाँ पर, और एस ऑफ सोर्ड्स भी यही बोल रहा है कि अगर आप उस चीज पर अपने थॉट्स को सही तरीके से अगर आप रख लेते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर काम कर लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस को बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर सक्सेस है। ठीक है, सो करंटली आपके पर्सन आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और पुरानी बातों को छोड़कर पीछे आगे मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अभी हम और देख लेंगे क्या है आपके पर्सन और आपके बीच में, आगे क्या हो सकता है वो देखेंगे अब हम। आगे क्या हो सकता है इसके बाद हम लव मैसेजेस भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्ब्रेस योर इमोशंस, यहाँ पे एम्ब्रेस योर इमोशंस का मैसेज है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी स्ट्रेस है, ये पर्सन जो है उन सारी चीजों को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम आ गई है, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम आ गई है, या मैं मानती हूँ प्रॉब्लम आ गई, अब क्या, अब उस चीज से आगे बढ़ना है, उस चीज को छोड़कर पीछे आगे मूव करना। आप देख रहे हो यहाँ पर रनिंग हॉर्स है, ये क्या बता रहा है कि ये आगे मूव करना चाहते हैं, ये आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पीछे जो बातें हो गई हैं उसको छोड़ देना चाहते हैं, अब ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम हुई सो हुई। अब कभी कभी ना क्या होता है, इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता और उस एक्सेप्टेंस में इतना टाइम लगा देता है कि आगे चीजें बढ़ी नहीं पाती हैं। तो अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे जो है मूव करना है, मुझे आगे चीजों को अब लेकर जाना है। राइट, सो यहाँ पर कंप्लीशन है नंबर 8, नंबर 1, नंबर 10, 19, 28, 17, 26 एंड 27, 18, 9 मुझे लकी दिख रहा है, नंबर 29 टू 11 एंड 20, ये नंबर्स एंड डेट्स लकी हैं। फॉरगिवनेस, देखिए ये भूल जाना चाहते हैं, ये माफ कर देना चाहते हैं और आपसे भी माफी मांगना चाहते हैं कि आपको, मुझे लगता है ये पर्सन अभी सिनर्जी में आ गए हैं कि अब आपको ये समझाएंगे और ये बताना चाहते हैं कि कुछ नहीं रखा डिसअपॉइंटमेंट्स में, कुछ नहीं रखा पास्ट के अंदर, उस चीज के ऊपर टिक जाने के लिए बैठ जाओ उस चीज को लेकर कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। इनको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से आगे भी लाइफ है, इससे आगे भी दुनिया है। तो अब ये चाहते हैं कि आप भी इन बातों को भूल जाएं और ये भी इन बातों को भूल जाना चाहते हैं, आपसे भी माफी मांगेंगे और आपसे यही चाहेंगे कि आप इनको माफ कर दें एंड आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। सो यहाँ पर माफ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे इस पर्सन को, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये पर्सन भी आपको माफ करने के बारे में ही सोच रहे हैं।
ओके, अगर आपने कुछ गलत किया है. एक्शन स्पीक्स लाउडली. सो ये पर्सन अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे एक्शंस के थ्रू. तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में एक्शन का कार्ड यहाँ पर आने का मतलब यही है कि ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए. गाइज, ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए. अब ये मूव करेंगे आपकी तरफ में और ये दिखाएंगे अपने एक्शंस से ही कि कितना प्यार करते हैं ये, कितने इंपॉर्टेंट हैं आप इनके लिए. ओके, सो एक्शन से आपको यहाँ पर सब समझ आता हुआ दिख रहा है. और देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए. आई होप आपने कनेक्ट कर दिया होगा इस रीडिंग के साथ में अपने आप को. एंड ऑल्सो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कॉमेंट करना. आई वेट एवरी डे प्लानिंग हाउ टू स्टील वन एक्स्ट्रा मिनट विद यू. सो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के बारे में ये सोच रहे हैं. हो सकता है कि आप हमेशा इनको बोलते थे कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, फिर तुम मेरे लिए रेडी होगी बट मैं तुम्हारे लिए नहीं होंगी. हो सकता है वो टाइम अब शायद आ रहा है, आ गया है. एंड ये पर्सन वो चीज़ याद करते हैं एंड वही चीज़ इनको बहुत परेशान करती है और आपसे मिलने के बारे में ये सोचते हैं. जो टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है उसको भी याद करते हैं और अब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही आपके साथ स्पेंड करें. ओके, सो ये इनके एनर्जी में दिख रहा है. समटाइम्स आई थिंक मे बी वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर. सो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप आगे बढ़ गए हैं. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, अब शायद आप फिर से इनके साथ में नहीं होंगे एंड शायद अब हम एक दूसरे के साथ में नहीं आ सकते हैं, या शायद भगवान ने यही सोचा है कि हम साथ में हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं. राइट, कभी कभी ये थॉट भी आके इनको परेशान करता है. इन योर स्माइल आई सी समथिंग मोर ब्यूटिफुल दैन द स्टार्स. जब आप हंसते हैं वो चीज़ इनको, आपकी खुशी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है गाइज. अब येस, इनके इनके मन में ऐसा होता है कि मैंने इसको खुशी नहीं दी, मैंने इसको सेटिस्फैक्शन नहीं दी. अब वो चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुशी देना चाहते हैं और आपकी स्माइल भी मुझे लगता है इनको बहुत अच्छी लगती है. सकता है इन्होंने आपको कहा भी हो ये बात. विद यू आई कैन फील द लव विच आई हैव नेवर फेल्ट. सो आपके साथ जो प्यार ये महसूस करते हैं वो इन्होंने कभी भी कहीं पर भी फील नहीं किया है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यू कंप्लीट मी. तुम मुझे कंप्लीट करती हो, तुम्हारे साथ मैं पूरा फील करता हूँ, होल फील करता हूँ. ओके गाइस, सो अब हम ये देख लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आगे आपके साथ में क्या होने वाला है. राइट, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का. देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स आपके लिए. ओके, कुछ कार्ड्स हमारे पास हैं. बीटल, वाओ, गुड फॉर्च्यून यहाँ पर है आपके लिए. सो ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें आपके साथ में बहुत अच्छी होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम पर. सक्सेस है, गुड फॉर्च्यून है, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए. प्रॉस्परस लव है आपके लिए. आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है. स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गई मेरे साथ में. मैं तो इतना नेगेटिव सोच रहा था, कैसे ये सारी चीज़ें जुड़ गई, कैसे ये सब कुछ खुद से हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. जैसे ऐसी एनर्जी होगी आपके आने वाले टाइम पर. नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू. सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग की यहाँ पर अगर फैमिली में क्लैशेस चल रहे हैं, एज एन आपकी अपनी फैमिली से कुछ अनबन है, तो यहाँ पर वो ठीक होती हुई दिख रही है. राइट, एंड आपको फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना चाहिए. उससे यहाँ पर आपको मुझे मेंटल पीस मिलता हुआ दिख रहा है. ठीक है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बहुत खूबसूरती से बढ़ पाएंगे. ओके, साथ में मैं ये भी देख रही हूँ जो भी लोग फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी है यहाँ पर. राइट, हैप्पी फैमिली लाइफ भी यहाँ पर दिख रही है मुझे. अगर आप क्रेव करते हैं और ये चीज़ मांगते हैं कि मेरी फैमिली नहीं है तो वो हैप्पी फैमिली नहीं है तो वो यहाँ पर दिख रही है. यहाँ पर ऐसा आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है. बेसिक जो चीज़ें होती है ना लाइफ के अंदर, बेसिक उसके साथ कनेक्ट हो जाना है बस. आपने गेट बैक टू द बेसिक्स. बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बेसिक एनर्जी के साथ जुड़ना है. अब आप देखिए आप कहाँ पर स्टक हैं और क्या बेसिक है. ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपकी रिलेशनशिप में ना बहुत इनोसेंस वापस आता हुआ दिख रहा है मुझे.
कोई यहाँ पर बहुत इम्पेशेंट भी दिख रहा है, जैसे जल्दी 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 सब कुछ हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी काम करना है आपने शायद। ऐसा भी हो सकता है जो आप कहीं और ढूंढ रहे हैं वो आपके पास ही है, ये एनर्जी भी है इस कार्ड की। ओके, सो डार्क वेमेन यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई ऐसी वेमेन जिसके बाल डार्क हो या कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, वो आपको हेल्प कर सकती है आपके रिलेशनशिप में आगे आने वाले टाइम पर। एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, हो सकता है कोई पर्सन आपसे बहुत जलता हो या इस रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में सोच रहा है, आपकी खुशी से खुश नहीं है, ऐसे पर्सन से बचकर रहना है। स्केल्स अगेन, देखिए मैंने बोला पेशेंस बैलेंस ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में, यहाँ पर आपको बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने अच्छा किया तो मुझे उसके अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिले, मेरे गुड कर्मा के अच्छे रिवॉर्ड्स मुझे नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर उसका भी इंडिकेशन है कि आपने जो अच्छा किया है उसके उसका अच्छा आपको यहाँ पर मिलने वाला है बहुत ही जल्द। फ्यूचर में आपको दिखेगा कि जो मैंने अपना अपनी तरफ से 100% दिया उसका गुड रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, गुड कर्मा के मुझे गुड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऑल्सो अगर आपको लगता है आपके पर्सन की तरफ से उतना आपको नहीं मिलता है जितना आप इन्वेस्ट करते हैं इमोशनली, गिव एंड टेक बैलेंस में नहीं है, तो वहां पर भी मुझे बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो आपको भी अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, तभी जो आप चाहते हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। राइट, सो दिस इज इट, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हुई है तो प्लीज अपना प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग को बुक कराने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माई अदर चैनल, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। टेक केयर।